सामने पीएफ बेस मुसरफ है और ये ना कोई हालात देखें। बैरियर वाले मुझे ऐसे एयरफोर्स वाले देख रहे थे जैसे एक मौलवी बेनमाजी को देखता है, तो मैंने बेहतर समझा कि वहाँ से निकला जाए क्योंकि उनके आगे ये लॉ शॉ नहीं चलता और वो सीधा जो होता है ना बंदे को पकड़ के लितर ही लगाते हैं। फिर हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज भाई सरगोधा में इंतहा की बारिश हुई है, इंतहा की बारिश हुई है। मैं अभी फ़िलहाल लिटरली अपने चारों दोस्तों के पास, पांचों दोस्तों के पास से होके आया हूँ और सारों के घर के आगे तकरीबन आधा आधा फुट पानी खड़ा हुआ है। पीएफ बेस मुसरफ के मिल बैरियर की तरफ से भी होके आया हूँ तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट जो है एक एक फुट जो है वो पानी खड़ा हुआ था। तो भाई सरगोधा के फिलहाल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सरगोधा की नहीं, बलोचिस्तान, केपी, सिंध और पंजाब के भी अब काफ़ी इलाकों में बारिशों ने बे इंतहा तबाही मचा दी है। इंडिया से ये जो एक सुपर स्ट्रॉन्ग का जो साइकिल था ये पाकिस्तान के अंदर इंटर हुआ था पिछले हफ्ते और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। सब भाई जो है वो और बहनें जो है मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो रहम फरमाए। अच्छा, इस दौरान जितनी भी बारिशों की सहूलत हाल और बारिशों की वजह से जो तबाही मची है और जो सड़कों पे पानी खड़ा है ना सरगोधा की, वो भी कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। और खुशखबरी मैं आपको ये भी देता चलूं कि हम लोगों के 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे एक हफ्ता पहले ही हो चुके थे लेकिन यूट्यूब की तरफ से ऑफिशियली मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस दे दी गई हैं। उनकी तरफ से मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ है जिसमें उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन सारा कुछ लिख के दिया है। सो यार, वी आर डेली ग्रोइंग और हमारे सब्सक्राइबर्स डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? मैं व्लॉग्स फेंक रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं व्लॉग्स चढ़ाई जा रहा हूँ, व्लॉग्स अब नहीं रुकने। तुम लोग सब्सक्राइब करो, तुम लोग बहुत अमेजिंग कंटेंट वरना मिस कर दोगे। अच्छा यार, अभी ना हम पीएफ बेस मुसरफ की तरफ जा रहे हैं और रॉन्ग साइड से जा रहे हैं खैर, लेकिन ये हालात देखें, बारिशों की वजह से बिल्कुल ही कोई हाल नहीं है इधर का। खैर अब तो ये कम हो चुका है बहुत ज़्यादा, पहले जब मैं इधर आया था तो बहुत ही ज़्यादा कोई पानी था। ये पुलिस चेक पोस्ट है, इसके बाद जाके बाहर के बात करें। सामने पीएफ बेस मुसरफ है और ये ना कोई हालात देखें, तकरीबन आधा आधा फुट पानी है। ये गाड़ी तकरीबन लगी हुई है एक घंटे से, अब तो खैर ये पहले फुट था, अब आधा आधा फुट। हालात देख सकते हैं आप लोग, मैं पानी के बीच में से ही जा रहा हूँ। ये हालात है और सिर्फ बैरियर का नहीं, ये पूरी पीएफ रोड का ये हाल है। ये ए टू जेड 49 टेल तक जाती है मुसरफ बेस से, पूरी रोड सरगोधा का सबसे बड़ा मदरसा है। इट इज़ ऑल्सो ड्रॉन, टोटली ड्रॉन, सारा डूब चुका है। यार ड्राइविंग करते हुए ना सबसे ज़्यादा मुझे ना डर इनसे लगता है, देखते नहीं है मार के चले जाते। जी आप सबका वफादार दोस्त, रुक तेरे को बता देती। इंशाल्लाह भाई इसको तो कवर करना ही करना है, इसकी लाइव स्ट्रीम भी चलेगी और इसका व्लॉग भी आएगा इंशाल्लाह। ये खादी के आगे भी पानी खड़ा है। सरगोधा का कोई इलाका ऐसा नहीं है जिसको इस बारिश ने मुतासिर ना किया। ऐसा नहीं है कि इंतज़ामिया काम नहीं कर रही, इंतज़ामिया अपनी पूरी कोशिश कर रही है लेकिन जैसा कि मैंने बताया ना कि बारिशों ने तबाही इतनी मचाई है। मैं पिछले तकरीबन आधे घंटे से यूनिवर्सिटी रोड पे स्ट्रेट ड्राइव कर रहा हूँ आराम से, ज़्यादा स्पीड नहीं है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि तकरीबन आधे घंटे के पूरे रास्ते में पानी ही दिखाई दिया सिर्फ। बैरियर के पास से मैं ज़रा टाइम से निकल गया था क्योंकि बैरियर वाले मुझे ऐसे एयरफोर्स वाले देख रहे थे जैसे एक मौलवी बेनमाजी को देखता है, तो मैंने बेहतर समझा कि वहाँ से निकला जाए क्योंकि उनके आगे ये लॉ शॉ नहीं चलता और वो सीधा जो होता है ना बंदे को पकड़ के लितर ही लगाते रहे। मदद को कबूल फरमाए। खंडन बोर्ड की तरफ से रिलीफ कैंप जो लगाया गया है इसमें माशाल्लाह आप शहरियान से तमास है, सलाब जदान के लिए मदद फरमाए। अभी मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये CBS की तरफ से ना बाकायदा सैलाब जदगान के लिए, चाहे वो सरगोधा के हैं, चाहे बलूचिस्तान के हैं, चाहे सिंध के हैं, केपी के हैं, पूरे पाकिस्तान में फ़िलहाल ऐसे हालात हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप लोग भी हैं, ये बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं इधर ही क्लब रोड के ऊपर और जो यूनिवर्सिटी रोड है इसको अटैच जो करता है लिंक, ये उस जगह पर मौजूद है, उस चौक में मौजूद है। आएँ सैलाब के मुतासरीन के लिए इमदाद करें
बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और ये जो सदका और ये खैरात होती है ना, ये देने से बढ़ती है। आप एक रुपया दोगे वो झोली भर देगा, तो खुल के अतिया करें। अच्छा, मुझे अभी ये भाई साहब मिले हैं, ये भी यहाँ फ्लड रिलीफ में अभी अपना कुछ अतिया कर चुके हैं। भाई किस नियत से अतिया किया आपने? सलाफजादगान के लिए किया है। ये आपको क्या यकीन है कि आपका फंड सही जगह पे इस्तेमाल होगा? जी इंशाल्लाह। और चले अल्लाह आपको इसकी रज़ा दे। शुक्रिया। मैं इस वक्त फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद हूँ। ये रेलवे का निज़ाम है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये भी ना बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। रेलवे ट्रैक की हालत थोड़ी बहुत बेहतर है, लेकिन साइडों पर पानी जमा हो चुका है। अच्छा, मैं अभी सरगोधा खुशाब रोड के ऊपर ही खड़ा हुआ था, तो मुझे यहाँ पर वो पुल दिखाई दिया खुशाब वाला, तो वो फ़िलहाल पुल भरा पड़ा है। और ऐसा मैंने वैसे कभी नहीं देखा कि ये इस लेवल पे आया हो, इससे भी हाई लेवल पे गया है, लेकिन मैं जब भी विज़िट किया है तो ये बिल्कुल ही नीचे होता है। ये बिल्कुल, अब मैं आपको ये दिखाता चलता हूँ। बच्चे यहाँ पे छलांगे लगा रहे हैं, और ये कोई छोटी नहर नहीं है, बड़ी नहर है, बड़ी गहरी। कोई ये तकरीबन 10-1 फुट की नहर होगी। मुझे अभी तक तैरना नहीं आया, ये बच्चे तैर रहे हैं। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको दिखाया जाए कि सरगोधा जैसे एक डेवलप्ड एरिया में इस तरह के हालात हैं, तो ये सोचिए कि देहातों में क्या हालात होंगे। अब बलूचिस्तान देख लें, सिंध देख लें, केपी देख लें, मैं अगेन ये मेंशन कर रहा हूँ, बार बार इन इलाकों के मेंशन कर रहा हूँ नाम, क्योंकि इधर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो मेरी आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है, इस वीडियो में को जो देख रहे हैं, मैं ये CBS वालों का जो स्टॉल लगा हुआ था इसका भी नंबर आपको लगा देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, और इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है, अगर आपको लगता है कि आप उसमें देना चाहते हैं, आपको लगता है आपके पैसे सही जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ज़रूर अतिया करें। और इसके अलावा जो है आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी दे सकते हैं, वो भी आजकल बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं सैलाबजदगान की मदद करने में। तो आज की वीडियो से इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वाइल देर इज़ ऑल्सो अ पैरेलल वर्ल्ड।